हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पटवारी प्री का जो है आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा, मोस्टली मैथमेटिक्स पार्ट का। पटवारी का नया सिलेबस आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके जीके और जीएस, जनरल साइंस और जीके मिलाकर 30 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी के 11 11 22 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स रीजनिंग के 45 क्वेश्चन। अभी भी सबसे बड़ा पार्ट मैथ्स रीजनिंग का ही है, और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो अपन यहाँ पे जो चर्चा करने वाले हैं वो मैथ्स के सिलेबस की है। मैथ्स के लिए मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ये दूंगा, मैथ्स का आप हम यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर करेंगे, डेली क्लास रहेगी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि पटवारी प्री का जो 2016 को एग्ज़ाम हुआ था 13 फरवरी को, उसका अपन यहाँ पे उसको सॉल्व करके देखेंगे, मेनली मैथमेटिक्स पार्ट। तो शुरू करते हैं, चलिए मैथमेटिक्स वाला पार्ट अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से आपका मैथमेटिक्स का पार्ट स्टार्ट होता है। ये आप इसको एक बार पास करके देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 61 वाला, एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। क्लोज दे देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, ए किसी काम को, देखिए क्वेश्चन नंबर 61, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिकतम है, तो बी इसे कितने दिन में पूरा कर लेगा। क्वेश्चन समझ गए यहाँ पे? ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया गया है कि ए किसी काम को, ए जो है अपना किसी काम को 12 दिन में करता है, और बी जो है ए से 60% अधिकतम है। ठीक है, तो बी ए का देखेंगे, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, यानी कि प्रतिदिन कितना काम करेगा ए जो है, प्रतिदिन कितना काम करेगा, 1/12, क्योंकि पूरा एक काम करने में 12 दिन लग रहे हैं, इसलिए प्रतिदिन 1/12 करेगा और 12 दिन में पूरा काम कर लेगा। बी का देखते हैं अपन, बी का क्या दिया है कि ए से 60% अधिकतम है, यानी 1/12 इंटू इसका एक 60% अधिक, यानी 160/100 बराबर, सॉल्व कीजिए, 0 से 0 आपका कट जाएगा, और 2 5 10 और 2 8 16, 4 से आपका कट जाएगा, 4 2 8 और 4 3 12, 3 5 15, 2/15 आपके आएगी। ठीक है, ये क्या है, प्रतिदिन बी का काम हो गया 2/15 प्रतिदिन। अब अपन को क्या देखना है कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 2/15 अगर प्रतिदिन कर रहा है तो उसको पूरा काम करने में लगेंगे 15/2 दिन, या इसको लिख सकते हैं 7 सही 1/2। तो अपना ऑप्शन अपन देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, 7 सही 1/2 आपका सही आंसर आ गया है। बस इतना सा ही करना है, एक बार और आप पीछे लेके देख सकते हैं वीडियो को, अगर समझ में नहीं आया हो दोबारा रिफ्रेश करके। ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, बाकी दूसरा क्वेश्चन बताते हैं अपन 62 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 62 की, दो नल एक टंकी को क्रमशः 30, 45 व 30 घंटे में भर सकते हैं, दोनों नल एक साथ खोल दिए जावे तो कितने घंटे में भरेंगे। बस यही क्वेश्चन आपका। तो देखिए शुरू करते हैं, दो नल दिया है, माना कि ए वाला नल आपका भर रहा है 45 घंटे में, और बी वाला आपका भर रहा है 30 घंटे में। पूछा ये कि ए प्लस बी मिला के कितने घंटे में भरेंगे। सीधी सी बात है, अगर इसको अपन देखेंगे ना, 45 घंटे में पूरी टंकी भर रहा है, यानी प्रति घंटे में 1/45वां हिस्सा भर रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से। ठीक है, दूसरा की बात करते हैं, दूसरा नल 30 घंटे में भर रहा है, यानी प्रति घंटे कितना भर रहा है, 1/30 हिस्सा जो है टंकी का प्रति घंटे में भर रहा है। अब ए प्लस बी की अपन बात करते हैं, दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए तो 1/45 ये वाला प्लस 1/30, क्योंकि अपन ने दोनों नल खोल रखे हैं। ठीक है,
जब अपन 1/45 + 1/30 करेंगे तो क्या आता है, अपन जोड़ के देखिए, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 90 और 45 × 90 का 2 प्लस 30 × 90 का 3 बराबर 5/90। सो अपने आ रहा है 5/90 प्रति घंटा। ये दोनों नल खुले होंगे तो 5/90 हिस्सा प्रति घंटा भरेंगे। तो पूरी टंकी कितने में भरेंगे? पूरी टंकी भरने में लगेगा, पूरी टंकी भरने में जब दोनों नल खुले होंगे तो 90/5 बराबर 18 घंटे। ये आपके आंसर आ गया। ए वाला 45 घंटे में भर रहा है, बी वाला 30 घंटे में भर रहा है, अगर दोनों खोल देंगे तो 18 घंटे में भर जाएगी। चलो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ऑप्शन ये 62 वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन 18 घंटे, ये चौथा वाला है 18 घंटे। तो सही आंसर अपना यहाँ पे आ गया है। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है, बाकी कोई हार्ड नहीं है, कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी आप कर सकते हो। 60 अगर कहीं पे कुछ क्वेरी रह जाती है, नहीं समझ में आता है, तो आप बेशक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और डिटेल्ड में। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आता है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए और जो भी क्वेरी हो पूछिए। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरा करता है, इसे 5 घंटे में पूरे करने को कार की गति की स्पीड क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो इसमें देखना क्या है कि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल क्या है 45 किमी प्रति घंटा। दूसरी चीज़ क्या दी है इसने कि 6 घंटे में पूरी करता है, समय है 6 घंटा। पूछा क्या है कि 5 घंटे में अगर पूरी करनी हो उसको तो चाल क्या चाहिए? तो सिंपल है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि दूरी कितनी है। दूरी का सूत्र आपको, सभी को चाल का सूत्र याद होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। या यहाँ पर अगर अपन देखेंगे दूरी ज्ञात करने के लिए, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। दूरी की अगर बात करेंगे अपन तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रहा है 6 घंटे के लिए, इसलिए दूरी क्या हो जाती है आपकी 270 किलोमीटर, ठीक है। अब 5 घंटे में क्योंकि इसको पूरी करनी है तो चाल क्या चाहिए? चाल बराबर दूरी 270 किलोमीटर बटा समय 5 घंटे। कर दीजिए सॉल्व, 25, 26, 27, 2 बचे 5, 24, 54 किलोमीटर पर हावर, ये आंसर आपका। देखते हैं चलिए ऑप्शन में। यहाँ आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन अपना 63 नंबर का 54, ये सही आंसर 54 आ गया। ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन है, बस अच्छे से समझने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, मैं समझा रहा हूँ अभी। आप करना चाहो तो आराम से 30 से 40 सेकंड में एक क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 नंबर का, आप ध्यान से पढ़िए। एक मोटरसाइकिल सवार 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है, पहले 15 मिनट में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आगामी 20 मिनट तक दुगनी चाल या 2x की चाल से, तथा शेष दूरी फिर पहली चाल x की स्पीड से करता, तो x का मान होगा। तो चलो इसको अपन इक्वेशन में जमाते हैं। सबसे पहले 64 नंबर का क्वेश्चन आपका, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक मोटरसाइकिल सवार 39 किलोमीटर प्रति घंटा की, सॉरी 39 किलोमीटर दूरी है आपकी, 39 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करता है, ठीक है। अब बात आती है, पहले 15 मिनट में वो 1 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, पहले 15 मिनट में 1 किलोमीटर, 15 × 2x, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, यानी कि वो
यानी कि पहले 15 मिनट में वो 15x दूरी तय कर रहा है, ठीक है। प्लस करते हैं, फिर अगला क्या बोल रहा है वो कि अगले 20 मिनट तक दुगनी चाल से, यानी 20 × 2x, ठीक है, अगले 20 मिनट में इतनी दूरी तय करेगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ क्या दी है कि उसके बाद के शेष दूरी पहली चाल से पूरी करता है। टोटल समय क्या दिया अपन को, 45 मिनट। 15 मिनट ये हो गए, 20 मिनट ये हो गए, बचे कितने, 10 मिनट। और 10 मिनट फिर वापस वो पहली चाल से आया, एक्स की चाल से चलता है, ठीक है। तो ये अपन ने इक्वेशन बनाई यहाँ पे, इसमें देखें आप समय इंटू चाल अपन ने लिखी है, पहली दूसरी और तीसरी, कुल दूरी क्या होगी अपनी, कुल दूरी होगी 39 किलोमीटर। यानी इक्वेशन 15x + 20 का दो बार करें तो 40x + 10x इज इक्वल टू 39, 39 किलोमीटर, ठीक है। पहली और दूसरी और तीसरी तीनों स्टॉप मिला के आपके दूरी क्या हो रही है, 39 किलोमीटर। टाइम क्या आ रहा है, 15 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट, बराबर 45 मिनट, ठीक है। अपन ने सिंपल सा सूत्र काम लिया है, दूरी बराबर समय इंटू चाल, समय इंटू चाल, समय इंटू चाल, समय इंटू चाल, ठीक है। तो अपन इस इक्वेशन को आ गई अपने पास इक्वेशन, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए इसको, 15 + 40 + 10 = 65x इज इक्वल टू 39, और x बराबर क्या हो जाएगा, 39/65। इसको अपन सॉल्व करें, 13 से सॉल्व हो रहा है, 13 39 13 5 65, 3/5 जो है आपके चाल आ गई है। चूंकि ये समय मिनट में था ये, इसलिए अपने चाल क्या आई है, किलोमीटर प्रति मिनट में, ठीक है। इसको अपन घंटे में बदलेंगे, हावर के हिसाब से बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3/5 × 60 मिनट। 1 आवर में कितना, तो 5 से अपन काटेंगे, 12 5 60, और 12 × 3 बराबर क्या हो रहा है, 36। तो आपकी चाल आ जाती है 36 किमी प्रति हावर। तो एक्स इज इक्वल टू 36 किमी प्रति हावर। चलो ऑप्शन देखते हैं आप, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, देखिए देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखा है 31 36, ये 36 वाला सही है। बस हो गया आपका एक और क्वेश्चन सॉल्व। आप 65 नंबर का क्वेश्चन देख, 65 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल क्या है, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया क्वेश्चन, अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है आपका, एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर 4 किमी प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, और वापस साइकिल से कितने में आता है, 16 किमी प्रति हावर की स्पीड से। तो अपन को निकालनी है औसत चाल, यहां पे अपन को ना औसत चाल के लिए क्या चाहिए, कुल दूरी, दूरी बटा कुल समय। ना तो अपन को यहां पे दूरी दी गई है और ना ही समय दिया गया है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दूरी और समय दोनों निकालेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा सा अपन यहाँ पे वही सूत्र लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, और कुछ नहीं करना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे अपन देखेंगे पहले वाले, जाने के टाइम पे की दूरी देखेंगे, तो डी बराबर दूरी, सॉरी समय निकाल रहे हैं अपन, है ना, दूरी तो डी होगी जाने की, और डी आने की, बराबर कुल दूरी क्या होगी, 2D। तो दूरी में तो कोई दिक्कत है नहीं, दूरी 2D आ गई अपनी, डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, 2D, ठीक है। दूसरी चीज क्या निकालनी है अपन को, समय, कुल समय, कुल समय, कुल समय क्या लगेगा, पहले तो जाने का समय देखेंगे, जाने का समय क्या हुआ,
दूरी समय क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो समय क्या हो गया कुल? आपकी दूरी तो होगी डी, और चाल क्या है आपकी फर्स्ट वाली, 4 किलोमीटर पर आवर। ये तो जाने का समय हो गया आपका, और वापस आने का समय क्या हुआ? दूरी वही रहेगी डी, और चाल क्या होगी आपकी, 16 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका टोटल समय आ गया, डी बटा 4 प्लस डी बटे 16। सोल्व कीजिए इसको। इसको नीचे अपन 16 ले लेते हैं, 4 चौक 16, तो 4D प्लस D बराबर 5D/16। तो आपके पास दोनों चीज़ें आ गई है, कुल दूरी होगी आपकी 2D बटा कुल समय बराबर 5D/16, ठीक है। ये कुल समय हो गया, तो आप इसको सॉल्व कीजिए बस। चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, 2D/5D/16। अब इसको सॉल्व करें मतलब 2D/5D, और ये 16 ऊपर चला जाएगा, डी से डी कट जाएगा। अब 16 दूना 32/5, ये आपकी चाल आ गई है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आता है 6.4 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज चाल होगी, 6.4 किलोमीटर पर आवर। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है, ये आएगा 65। एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चाल से जाता है, और वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो आपने क्या आया था? 6.4, ये आंसर सही है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के अपन ने सॉल्व किए हैं, 61 से 65 तक के मैथ्स के क्वेश्चन। आगे 66 से आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, पार्ट 2 नाम से। और आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करवाऊँगा, पूरा पेपर सॉल्व करवाऊँगा। देखते हैं आपका रेस्पॉन्स कैसा रहता है। कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जिनको जो भी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं, और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा पूरा पेपर। इसके बाद हम अदर पेपर्स पे भी जाएंगे, और कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व करवाएंगे। तो आप इसका जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है, नहीं समझ में आता है, तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे ना हम, 66 से क्वेश्चन 70 तक के जो सॉल्व, उसमें इसमें के क्वेश्चन डबल से मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो समझ में नहीं आया उनको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है दोस्तों।